नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स ड्रीम। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सुबेक्स स्टॉक के बारे में, जो कि काफी लंबे समय से कंसोलिडेशन में चल रहा था और आज के दिन इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। तो ये एपिसोड उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिन्होंने इस स्टॉक को पहले से होल्ड कर रखा है या फिर आप फ्रेश पोजिशन बनाने की सोच रहे हैं। आज के दिन ओवरऑल आईटी सेक्टर में शानदार तेजी दिखी, बात चाहे इंफोसिस हो, टीसीएस हो, एससीएल टेक हो या फिर विप्रो का। जिस प्रकार से आईटी सेक्टर में तेजी दिखी, ठीक उसी प्रकार से सुबेक्स में भी 6% की तेजी दिखी है। अगर इस स्टॉक के आप टेक्निकल चार्ट को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक दो बार बॉक्स के अंदर ही कंसोलिडेट होते हुए दिखा है। पहला कंसोलिडेशन कुछ समय पहले था जो 62 रुपए के आसपास का था और दूसरा कंसोलिडेशन 52-55 के आसपास का रहा था। ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और कभी जो है कुछ समय पहले पैनी स्टॉक हुआ करता था, उसके बाद इसने मल्टीपैगर रिटर्न दिए है और 50 का सपोर्ट बहुत ही स्ट्रांगली दिख रहा है। अगर आपने इस स्टॉक को होल्ड कर रखा है तो 46 के स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करें। स्टॉप लॉस को भूलना नहीं है, ऐसे स्टॉक्स में कभी भी स्टॉप लॉस को इग्नोर ना करें, क्योंकि आपने पिछले स्टॉक में देखा एचएफसीएल के अंदर कि 95 रुपए के आसपास की बाइंग थी लोगों की और इस समय वो स्टॉक 70-72 पे ट्रेड हो रहा है। इसीलिए स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करें और इस समय टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक लग रहा है, 57 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अगर आपका होल्डिंग है तो स्टॉप लॉस को फॉलो करके होल्ड में बनाए रखें और अगर आप फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हैं तो 62 रुपीज के ऊपर ही फ्रेश पोजीशन ले, जहां इस स्टॉक के अंदर आपको टारगेट 80-82 का जरूर दिख जाएगा, लेकिन 62 के ऊपर का क्लोजिंग होना बहुत ही जरूरी है टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से। नमस्कार।